हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ मैथ्स क्लास। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, यहाँ पर हमने कोशी टेस्ट, सॉरी, हमने डी मॉर्गन बस्टॉन्ड लो जो पेशेंट पढ़ा था उस पर बेस हमने एग्जांपल भी किए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर उसके पर बेस एग्जांपल और भी करेंगे, लेकिन हम दो टेस्ट है हमारे पास, एक तो कोशी संघनन टेस्ट यानी कि कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, और दूसरा गॉस परीक्षण, गॉस टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला टेस्ट है कोशी संघनन परीक्षण। ठीक है, ये जाएगा आपका कोशी कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, यदि फलन f ऑफ n n के समस्त धनात्मक व पूर्णांक मानों के लिए धनात्मक हो और n का मान बढ़ाने पर फलन जो है वो निरंतर घटता जाए। ठीक है, निरंतर घटता जाए तथा a जो है वो हमेशा क्या हो, एक से बड़ा हो, कोई धन पूर्णांक। ठीक है, ए जो है एक से बड़ा, कोई धन पूर्णांक हो, तब सिग्मा एफ ऑफ एन और सिग्मा ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन या तो दोनों अभिसारी होंगी। ठीक है, या तो दोनों कैसी होंगी, अभिसारी होंगी, और या दोनों क्या होंगी, अपसारी होंगी। ठीक है, क्लियर, या दोनों अभिसारी होंगी या दोनों अपसारी होंगी। तो हम यहाँ पर सब कुछ तो करना नहीं है, लेकिन हम उसको समझ देते हैं कि आपके पास दो श्रेणी, एक श्रेणी है एफ ऑफ एन, फंक्शन है, तरह से मान लेते हैं, इसको हमें बनाना है अभिसारी अपसारी होने को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोई a लेना होगा, a की पावर n से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और n जगह रखना पड़ेगा f ऑफ a की पावर n। ठीक है, तो n के समस्त धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक मानों के लिए धनात्मक हो और n का मान बढ़ाने पर फलन निरंतर घटता जाए। ठीक है, n का मान बढ़ाओ और फलन का जो मान है ना वो कम तो जाए, और a का मान एक से बड़ा होने पर, ऐसा इस कोई धन पूर्णांक है हमारे पास, तब f ऑफ n और an से मल्टीप्लाई करके और f ऑफ an रखने पर जो श्रेणी बनी है वो दोनों के दोनों साथ साथ या तो अभिसारी होंगी और या फिर अपसारी होंगी। ठीक है, तो इसको हम जो है एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर लेंगे। उससे पहले हम एक टेस्ट और ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों टेस्ट को साथ साथ पढ़ते हैं, फिर साथ साथ ही इनके एग्जाम्पल करेंगे। और ये टेस्ट है हमारे पास गॉस परीक्षण। ठीक है, तो देखिए, गॉस टेस्ट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। या हम ऐसा कहें कि किसी भी टेस्ट से, अगर किसी अदर टेस्ट से आपसे श्रेणी जो है वो अभिसारी अपसारी नहीं निकल पा रही है, तो आप गॉस परीक्षण लगा दीजिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो पहले पढ़ रखे ना टेस्ट, उन सवालों में भी, या उन 10, 20, 30 जो भी आपने पढ़ी है, उन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको भी आप गॉस परीक्षण से कर सकते हो। ठीक है, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन
इस प्रकार है कि un अपॉन un प्लस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी। आप सोचेंगे कैसा अजीब सा यहां पर लेट मिला यहां पे, ठीक है, लेकिन काम वही करना यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ठीक है, अब यहां देखिए तो टेस्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें दो कंडीशन चलती है, जहां अल्फा का मान तो हमेशा क्या होगा जीरो से बड़ा होगा, पी का मान एक से बड़ा होगा, और जो अनुक्रम हम की हम बात कर रहे हैं अनुक्रम गामा एन। ठीक है, कैसा होगा परिबद्ध, परिबद्ध है तो हमारे पास कंडीशन चलती है पहली पहली, इसमें क्या है तले चेक करते हैं, यदि अल्फा का मान क्या है नॉट इक्वल टू वन है। ठीक है, कंडीशन पहली वाली कब आ रही है, जब अल्फा का मान क्या हो नॉट इक्वल टू वन हो, तो एक के बराबर नहीं है तो इसका मतलब एक से बड़ा है, ऐसे छोटा है, तब कंडीशन अल्फा पर डिपेंड करेगी। ठीक है, जब अल्फा का मान एक से बड़ा है तब श्रेणी जो है वो कैसी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, तो श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी होगी। और नंबर सेकंड, जब अल्फा का मान एक से छोटा है तब श्रेणी क्या हो जाएगी, यूएन अपसारी। ठीक है, लेकिन ये तो कंडीशन थी जब अल्फा का मान नॉट इक्वल टू वन था, अगर अल्फा का मान इक्वल टू वन हो जाए, ठीक है क्या हो जाए, इक्वल टू वन हो जाए, तब श्रेणी किस पर डिपेंड करेगी, तब श्रेणी अल्फा पे डिपेंड ना करके बीटा पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका जो बी केस है मैं बताता हूं आपको, यदि अल्फा का मान क्या हो एक के बराबर हो, अब अल्फा मान एक के बराबर हो गया तो अल्फा को छोड़ दो, अल्फा को कोई काम नहीं है, अब काम किसका है, बीटा का मान पे, बीटा का मान एक से बड़ा और बीटा का मान एक से छोटा। ठीक है, एक छोटा है उसके बराबर, तो इस कंडीशन में तो श्रेणी हो जाएगी अभिसारी। ठीक है, वही है कंडीशन, तो अभिसारी अपसारी होना, बड़ा होने पर अभिसारी और छोटा है बराबर होने पर अपसारी होना। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये रूल पढ़ा, तो कोस परीक्षण ध्यान रखना, यहाँ पर फॉर्म बननी चाहिए इसी प्रकार की, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन निकालने के बाद आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो इसी प्रकार की बनेगी, अल्फा यानी कोई भी अचर प्लस बीटा अपॉन एन और गामा कोई वैल्यू अपॉन एन की पावर पी, यानी कि यहाँ पे एन या एन की पावर दो तीन जो भी है, इस तरह टर्म बननी चाहिए। और इस तरह टर्म अगर बनती है तो ही आप क्या करेंगे, फिर अल्फा और बीटा को यहाँ से उठाएंगे, अल्फा का मान क्या है नॉट इक्वल टू वन है या इक्वल टू वन है, ठीक है उस कंडीशन को देखेंगे, नॉट इक्वल टू वन है तो ये कंडीशन लगा देंगे, एक के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, एक से बड़ा या एक से छोटा है, और एक के बराबर है तो देखेंगे आप इसको बीटा को, कि बीटा का मान एक से बड़ा है एक से छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट जो है आपके इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर आपके लिए जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशी संघनन टेस्ट का एग्जाम्पल, तो ध्यान से देखिए आप, निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए, अभिसरण की जांच करो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लॉग टू का स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस लॉग थ्री का स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस लॉग फोर का स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर, ठीक है, लॉग एन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमें इस तरह के सवाल को करने के लिए
हाँ देखो, फर्स्ट पद तो एकदम छोड़ दिया है कि लॉग, चाहे तो फर्स्ट ले लो आप, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, लॉग वन का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर। लॉग वन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो अपॉन कुछ भी आए, वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो कुछ भी जोड़ने से दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो दी हुई श्रेणी श्रेणी का प्रथम पद जो है जीरो, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जीरो यानी लॉग वन का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर, ठीक है। देने पर माना कि इसे सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एन द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तब एफ ऑफ एन बराबर लॉग एन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एन बराबर लॉग एन का होल स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन, ठीक है। एफ ऑफ एन तो ये वैल्यू आ गई। अब ए की पावर एन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अंदर जो आप एन आ रहा है वहां पर क्या रखोगे, आप ए की पावर एन रखोगे, ठीक है। तो ए की पावर एन लॉग ए की पावर एन का स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए की पावर एन से ए पावर एन कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू क्या बच गई, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए की पावर एन है, ठीक है। यहाँ पर एन का जो स्क्वायर है वो तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे बाहर। और नीचे क्या बच जाएगा, ए की पावर एन, जो कि एक एक पावर एन से एक पावर एन कट गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि ए का जो मान है वो एक से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम रखते हैं यहाँ पर एक से बड़ा है मान, तो एन टेंस टू अगर हम रखते हैं जीरो, एन का मान रखते हैं जीरो, तो एक से बड़ा होने पर क्या हो जाएगा, ये मान लो 1.5 भी हुआ तो 1.5 की पावर इन्फिनिटी अगर आती है तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। और इन्फिनिटी पे जाएगी तो वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा पूरा मान, ठीक है। तो हमें जीरो नहीं बनाना है, जीरो से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें साइड श्रेणी लेनी है। माना ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन बराबर है श्रेणी वी एन के बराबर, ठीक है। तो वी एन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ ए का स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन। आप क्या करेंगे, वी एन अपॉन वी एन प्लस वन कर रहे हैं, ठीक है। हम यानी कि इस तरह से क्या कर रहे हैं, इसमें भी दलंबन अनुपात प्रश्न लगा दिया हमने, ठीक है। लेकिन ये जो काम हो रहा है हमारा, देखिए आप एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एन अपॉन वी एन प्लस वन, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। एन स्क्वायर वी एन अपॉन वी एन प्लस वन कर लो, एन स्क्वायर ए की पावर एन, और ए की पावर एन प्लस वन ऊपर आ जाएगा, एन प्लस वन नीचे आ जाएगा, और लॉग ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, क्या बच जाएगा, ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लगाओ लिमिट, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लगाने से पहले आप एन ले लो कॉमन, चले लो एन ले लो आप कॉमन, ठीक है। एन स्क्वायर हम क्या ले लिया, एन ले लिया कॉमन, ठीक है। एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, ए, ठीक है। और नीचे जब हम लिमिट लगाते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आप देखिए ये तो जाएगा जीरो, या बचेगा वन, ए अपॉन वन यानी कि ए, और ए का मान क्या है, एक से बड़ा है। तो ए एक का मान एक से बड़ा है, ठीक है। अगर जीरो बचता तो कोई टेस्ट का हमें पता भी था,
की वैल्यू अगर बसती है जीरो, तो इसका तो रूल था ही ना हमारे पास। हम कहता है ए गेट्स एक से बड़ा है तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तो देखिए, अब हमने जो माना है वी एन को, वो माना है एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ ए एन इंटू एफ ऑफ ए एन, ठीक है। तो ये श्रेणी क्या है भाई, एक से बड़ी है। एक से बड़ी होने पर क्या हुआ, ये श्रेणी अभिसारी है बाय दिलेमा अनुपात परीक्षण। तो ये इसके बराबर है, ये भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये अभिसारी है तो ये अभिसारी है, तो इसका मतलब कोशिश संघ से जो दी गई श्रेणी है ये वाली, वो भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। यानी कि एफ ऑफ एन भी अभिसारी होगी। किससे अभिसारी होगी, कोशी संघनन टेस्ट से, ठीक है। कोशी टेस्ट, कोशी कौन सा टेस्ट, संघनन वाला, ठीक है। समझ में आ गया। वीएन हमने माना, तो वीएन माने पर वीएन अपॉन वीएन प्लस वन कर दिया, ये तो हमारे पास क्या हो गया, दिलेमा अनुपात परीक्षण। जिससे ए के मान एक से बड़ा हुआ तो श्रेणी क्या हो गई, अभिसारी। अब ये अभिसारी हुई तो ये भी अभिसारी हो गई, किसके बराबर हमने माना है इसको, तो ये अभिसारी है, तो इसका मतलब एफ एन भी क्या हो गई, एफ ऑफ एन अभिसारी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।